हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द थिंकर स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे एएलपी एंड टेक्नीशियन CBT-2 एग्जाम के लिए आपकी ट्रेड डीजल मैकेनिक की क्लास 8 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से हम लोगों ने पिछली 7 क्लासें अटेंड की हैं, जिसमें हम लोगों ने दो टॉपिक आपके दो चैप्टर फिनिश कर लिए हैं ऑलरेडी, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने मेन पार्ट ऑफ एन इंजन और इंजन ऑपरेशन के पूरे टॉपिक और उसके ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास 8 स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, जो क्लास 8 हमारी आज की जो होने वाली है दोस्तों, वो है हमारी क्लच, ठीक है। दोस्तों, क्लच क्या होती है उसे बताने से पहले सबसे पहले एक आप इमेज देख लीजिए, अपने माइंड में ये इमेज सेटअप कर लीजिए कि क्लच क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले आप ये माइंड में रख लीजिए, फिर मैं आपको एक और इमेज दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों। अब मैं दोस्तों पूरी स्टोरी बताता हूँ कि क्लच क्या होती है और क्या जरूरत होती है आपकी एक मैकेनिकल डीजल इंजन में, आपकी क्या इसकी मतलब हेल्प होती है। इंजन का पार्ट नहीं है पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान से आप सुनिएगा जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ कि जो इंटरनल कम्बशन इंजन होते हैं, जिनको अंतर्दहन इंजन बोलते हैं, उनकी जो टॉर्क शक्ति होती है ना, घूर्ण शक्ति बहुत ही लिमिटेड होती है, ठीक है। इसलिए पहियों की गति को बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, आईसी इंजनों में ट्रांसमिशन सिस्टम की आवश्यकता होती है। ट्रांसमिशन सिस्टम आपको अब समझ में आ गया हो किस लिए जरूरी होता है, जो इंजन की पहियों की गति होती है उसको बदलने के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम की जरूरत होती है, ठीक है दोस्तों। ट्रांसमिशन सिस्टम जो होता है ना दोस्तों, वो ये निर्धारित करता है कि इंजन जो है वो अपने आरपीएम पर कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है दोस्तों। जो मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम होता है ना, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं, मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम की बात कर रहे हैं जिसमें ह्यूमन खुद अप्लाई करता है, ठीक है। तो मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम में गियर बदलना दोस्तों आसान काम नहीं होता है, ठीक है। इसलिए हमें गियर बदलने के लिए ट्रांसमिशन से हो रही ऊर्जा की जो एनर्जी आपको मिल रही है उसको बंद करना होता है, ठीक है। गियर बदलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो ट्रांसमिशन सिस्टम में एनर्जी मिल रही है तो क्या करना पड़ेगा, उसको बंद करना पड़ेगा। केवल गियर बदलने के लिए, अगर आपको केवल गियर बदलना है उसके लिए इंजन को बंद करना पड़ेगा, तो ये तो दोस्तों बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा, ठीक है। इसलिए दोस्तों वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है जिसका नाम है क्लच, ठीक है, जिसके लिए क्लच का उपयोग किया जाता है, जिनके द्वारा क्या किया जाता है दोस्तों, इंजन को बंद किए बिना ट्रांसमिशन सिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका दोस्तों, क्लच का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर जो इमेज आपकी स्क्रीन पर दिख रही है उसको आप ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से, ठीक है दोस्तों। सबसे पहला जो आपका पार्ट दिख रहा है, ये पूरा आपका क्लच की असेंबली दिखाई है मैंने आपको, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, ठीक है। तो फ्लाई व्हील है ये आपका, फ्लाई व्हील पर ही आपकी ये एक प्लेट लगी हुई है जिसे बोलते हैं दोस्तों क्लच प्लेट या क्लच डिस्क, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, क्लच प्लेट और क्लच डिस्क, ठीक है। इस प्लेट पर ही दोस्तों बाहरी बल लगाया जाता है, जो आपका पेडल आप दबाते हो किसी कार के इंजन में, अगर आप पेडल दबा रहे हो तो उससे बाहरी जो एक्सटर्नल फोर्स आता है इसी पर लगाया जाता है, ठीक है, जो कि एक अन्य मुख्य प्लेट जिसे दाब प्लेट कहते हैं। तो दोस्तों ये रही आपकी दाब प्लेट, ठीक है। इस दाब प्लेट के साथ क्या रहती है दोस्तों, इस दाब प्लेट के साथ क्या रहती है, जुड़ी रहती है, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है दोस्तों आपका कि इस प्लेट के ऊपर एक डैम्पर स्प्रिंग लगाई जाती है, ये रही आपकी डैम्पर स्प्रिंग या डायफ्राम स्प्रिंग कहते हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें डैम्परिंग स्प्रिंग लगी है, लेकिन दोस्तों ये डैम्पर स्प्रिंग आपकी जो लगाई गई है वो किसके ऊपर लगाई गई है, दाब प्लेट और इसके आवरण के बीच में लगाई जाती है, ठीक है दोस्तों। ये आपकी जो प्रेशर प्लेट है ना, ये जो आपका आवरण है, प्रेशर प्लेट का आवरण है दोस्तों, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये आपकी प्रेशर प्लेट है और ये उसका आवरण है। इन दोनों के बीच में आपकी ये लगाई गई है डैम्पर स्प्रिंग, ठीक है। ये जो आपको दिख रही है, मैं आप स्क्रीन पर बना रहा हूँ, देखिए ये है डैम्पर स्प्रिंग, ठीक है दोस्तों। ये डैम्पर स्प्रिंग की डिजाइन बहुत ही विशेष तरह से की जाती है, ठीक है। डैम्परिंग स्प्रिंग दोस्तों जो होती है ना, वो दाब प्लेट और उसके आवरण के बीच में लगी रहती है, ठीक है दोस्तों। डैम्पर स्प्रिंग का जो बाहरी हिस्सा होता है ना, वो दाब प्लेट से जुड़ा होता है, किससे जुड़ा होता है, दाब प्लेट से जुड़ा होता है। इसका मतलब ये है कि यदि आप आंतरिक हिस्से मतलब इसका जो अंदर का हिस्सा दबाएंगे तो दाब प्लेट घर्षण प्लेट से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी, यानी जो आपकी फ्रिक्शन प्लेट है ना, ये वाली आपकी क्लच डिस्क, ठीक है, उससे क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। इस प्रकार क्या हो जाएगा, ट्रांसमिशन में ऊर्जा का प्रवाह जो आपका क्या होगा, वो कम हो जाएगा या रुक जाएगा। ट्रांसमिशन में ऊर्जा का जो एनर्जी जा रही थी वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, ठीक है। अब हम कह सकते हैं दोस्तों कि क्लच पेडल दबाते हैं तो बिल्कुल ऐसे ही होता है, जब हम क्लच पेडल दबाते हैं तो बिल्कुल ऐसा ही होगा, जैसा कि मैंने आपको ये पूरा प्रोसेस समझाया, ठीक है। तो अभी आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो मैं आपको अभी एनिमेशन दिखाने वाला हूँ, जिसमें फिर से ही वही सारी बातें अभी जो मैंने बताई हैं वही सारी बातें बताने वाला हूँ, तो आप लोग देखिएगा। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से एक क्लच किस तरह से वर्क करता है, क्लच की असेंबली यहाँ पर आप पूरी देख सकते हैं किस तरह से वर्क कर रही है। यहाँ पर आपका लगा है फ्लाई व्हील, उसके ऊपर ही आपकी लगी है क्लच डिस्क, ठीक है, उसके ऊपर आपकी लगी है डैम्पर स्प्रिंग जो कि आपकी दाब
प्लेट और आपकी जो दाब प्लेट का आवरण है उसके बीच में लगी है, ये आपका पैडल आया हुआ है, जहाँ से आपका पैडल आया गया है। तो इस तरह से ये जब डैम्पर एंड स्प्रिंग की विशेष आकृति लहती है, जिससे मैंने आपको बताया कि वो दाब प्लेट और क्या करती है, फ्रिक्शन प्लेट से दूर हट जाती है, जिससे क्या होता है जो आपका इंजन होता है उसमें ट्रांसमिशन सिस्टम में एनर्जी क्या होती है, रुक जाती है, जिससे क्या होता है आपके गियर चेंज कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये आपका पेडल हो रहा है। दोस्तों मैं आपको पूरा डिटेल से और इसकी थ्योरी समझाता हूँ, फिर आपको ये एनिमेशन फिर से आपको दिखाता हूँ, तब जाके आपको ये बहुत ही अच्छे से क्लियर होने वाला है, ठीक है। तो देखिए आप, तो फ्रेंड्स आपने देखा जिस तरह से किस तरह से आपका क्लच वर्क करता है, अब मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल से बताने वाला हूँ, फिर उसके बाद हम लोग एक और बार फिर से देखेंगे किस तरह से उसका वर्किंग प्रोसेस था, फिर से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों। तो थोड़ा जान लेते हैं क्लच होती क्या है। दोस्तों क्लच क्या है, ऐसा यंत्र है जिसका प्रयोग ट्रांसमिशन सिस्टम में इंजन को ट्रांसमिशन सिस्टम से जोड़ने तथा अलग करने में होता है। दोस्तों यहाँ पर आप याद रखिएगा, इंजन को जोड़ने, ट्रांसमिशन सिस्टम से जोड़ने के लिए एक इंग्लिश में वर्ड होता है और हिंदी में भी लिखा जाता है, उसको कहते हैं इंगेज, और अगर अलग करने की बात की जाती है तो उसे बोलते हैं डिसइंगेज, ठीक है दोस्तों। इतना सा आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट आपके लिए आता है क्लच का, ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ ऑलरेडी, लेकिन आप लोग फिर से देख लीजिए ताकि आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कि फ्लाई व्हील तथा गियर बॉक्स के बीच में आपका क्या होता है, क्लच होता है, ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट आता है कि जब क्लच जुड़ा होता है यानी इंगेज होता है, तब इंजन का पावर ट्रांसमिशन सिस्टम में होकर प्रवाहित होता है, ठीक है, और जब क्लच अलग होता है तब इंजन का पावर पहियों तक प्रवाहित नहीं होता है। यही चीज पूरी आपको प्रोसेस मैंने यही तो बताई है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट आता है कि इसका उपयोग इंजन से गियर बॉक्स का संबंध जोड़ने या तोड़ने में किया जाता है। तो मैंने आपको बताया जिस तरह से कि क्लच ही आपकी मेन है, जो इंजन में क्या करता है, गियर बॉक्स को जोड़ने या तोड़ने में, यानी अब गियर चेंज करना है तो आपको क्लच का यूज करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो इंजन को बंद करना पड़ेगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगला जो पॉइंट आता है कि क्लच फ्रिक्शन की सहायता से काम करता है, यानी घर्षण की सहायता से काम करता है, क्योंकि उसमें क्लच डिस्क में घर्षेदार प्लेट लगी रहती है, ठीक है। किस तरह की, किस पदार्थ की बनी होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आप देखिए क्लच क्या होता है, फ्रिक्शन की सहायता से काम करता है, तथा फ्रिक्शन कम होने पर क्लच क्या करने लगती है, स्लिप करने लगती है, ठीक है दोस्तों। आप लोगों ने देखा होगा जैसे कि साइकिल में ही आप देख ले सकते हैं कि छोटी सी क्लच लगी रहती है तो वहां पर अगर स्लिप करने लगती है, ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कार इंजन के बारे में, ठीक है दोस्तों, डीजल इंजन के बारे में। अगला जो पॉइंट आता है क्लच गियर बॉक्स प्रोपेलर शाफ्ट तथा डिफरेंशियल ट्रांसमिशन के भाग हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि ट्रांसमिशन के भाग कौन कौन से हैं तो आप कह दीजिएगा क्लच गियर बॉक्स प्रोपेलर शाफ्ट और डिफरेंशियल ट्रांसमिशन के क्या है, भाग है, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है क्लच के कार्य क्या है, वर्किंग ऑफ द क्लच क्या है, ठीक है। तो दोस्तों पहला पॉइंट आता है जो कि मैंने आपको बार बार बताया कि गियर बदलने में इसका यूज किया जाता है, ठीक है दोस्तों। वाहन की स्पीड को धीमा करने में इसका उपयोग किया जाता है, ब्रेक लगाने समय इसका उपयोग किया जाता है, इंजन को स्टार्ट करते समय इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। क्लच प्लेट क्या होता है दोस्तों, स्टील की पत्तियों द्वारा बनी होती है, ठीक है। यहाँ पर मेन पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट आ गया, रॉ मटेरियल क्लच प्लेट किसकी बनी होती है, स्टील की पत्तियों की बनी होती है, स्टील की डिस्क की बनी होती है, ठीक है। अगला पॉइंट आता है क्लच प्लेट के दोनों तरफ कॉर्क चमड़े तथा फैब्रिक एस्बेस्टिक की लाइन बनी होती है, जिससे कि क्या होता है, फ्रिक्शन पैदा होता है, ठीक है दोस्तों। मैंने आपको बताया कि मैं रॉ मटेरियल बता दूंगा किसकी वजह से फ्रिक्शन आपका पैदा हो रहा था, ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्लच प्लेट चेक करने के लिए डायल गेज का प्रयोग किया जाता है, यानी जब क्लच प्लेट को आपको चेक करना है तो किस चीज़ का प्रयोग करना पड़ेगा, आपको डायल गेज का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। अगला आपका आ जाता है क्लच के मुख्य भाग। दोस्तों क्लच को मुख्य तीन वर्गों में विभाजित किया गया है, कौन कौन से, ड्राइविंग मेंबर जिसे मेल मेंबर भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। ड्राइविंग मेंबर में दोस्तों क्या होता है, ये एक फ्लाई व्हील होता है, मैंने आपको बताया फ्लाई व्हील क्या होता है, जो कैमशाफ्ट से कसा रहता है। आपका फ्लाई व्हील किससे कसा रहता है, कैमशाफ्ट से। जब मैंने आपको मेन पार्ट ऑफ एन इंजन पढ़ा रहा था तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि जो आपका फ्लाई व्हील होता है वो कैमशाफ्ट से जुड़ा रहता है, ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट आता है कि फ्लाई व्हील एक कवर से कसा होता है जिसमें प्रेशर प्लेट, स्प्रिंग तथा रिलीजिंग लीवर होते हैं। मैंने आपको दिखाई पूरी असेंबली किस तरह से वहां पर प्रेशर प्लेट, स्प्रिंग तथा रिलीजिंग लीवर आपके पूरे यहां पर आपको पूरी असेंबली दिखा दी थी किस तरह से, अभी मैं आपको फिर से वो दिखाने वाला हूं, ठीक है। तो आप लोग और देख लीजिए, यहां पर फ्लाई व्हील तथा कवर की पूरी असेंबली क्रैंकशाफ्ट के साथ घूमती रहती है, ठीक है दोस्तों। तो फ्लाई व्हील और जो उसकी कवर आपका, जो आपकी क्लच डिस्क की पूरी जो आपका असेंबली है वो क्या होती है, घूमने लगती है फ्लाई व्हील के साथ ही, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट आता है दोस्तों, ड्रिवन मेंबर। तो दोस्तों ड्रिवन मेंबर जिसे क्या बोलते हैं, फीमेल मेंबर भी बोलते हैं। ड्रिवन मेंबर दोस्तों क्लच प्लेट तथा प्रेशर प्लेट होता है, कौन कौन सा, क्लच प्लेट होता है आपका और प्रेशर प्लेट होता है, ठीक है। क्लच प्लेट को ही आपकी फ्रिक्शन प्लेट भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। ये क्लच, ये जो क्लच होती है ना वो सॉफ्ट की स्प्लाइंस पर
खिसकती है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, इसकी दोनों सतहों पर घर्षण पदार्थ होता है, ठीक है, किसकी, ड्राइविंग मेंबर के, ठीक है। जब पैडल दबाया जाता है तो प्रेशर प्लेट और फ्लाईव्हील की जगह बीच जगह बन जाती है। जब आपका पैडल, कार का पैडल दबाते हैं तो आपके बीच क्या होता है, प्रेशर प्लेट और फ्लाईव्हील के बीच क्या बन जाती है, जगह बन जाती है, जिससे क्लच क्या हो जाती है, अलग हो जाती है, ठीक है दोस्तों। इतना आप लोग याद रखिएगा, जैसा कि मैंने आपको वहां पर एनिमेशन में दिखाया था किस तरह से वो वर्क कर रहा था, जब आप पैडल दबा रहे थे तो क्या हो रहा था, प्रेशर प्लेट और फ्लाईव्हील के बीच जगह बन रही थी, जिससे क्या हो रही थी, क्लच अलग हो जा रही थी, ठीक है दोस्तों। अगला इसका पार्ट आता है कि ऑपरेटिंग मेंबर। दोस्तों इसमें ऑपरेटिंग मेंबर कौन कौन से होते हैं, फुट पैडल, लिंकेज, रिलीज बियरिंग, लीवर स्प्रिंग आदि शामिल होते हैं जो क्लच को ऑपरेट करते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट आता है दोस्तों, घर्षण प्लेट या फ्रिक्शन प्लेट, ठीक है, कौन क्या कौन सी होती है आपको मैं समझाता हूँ। ये प्रेशर प्लेट तथा फ्लाईव्हील के बीच में कसी रहती है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर मेन बात की जा रहा है क्लच डिस्क के बारे में, ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट आता है कि ये एस्बेस्टस, रेसक, रबड़ कोक इत्यादि का बना होता है, यानी इन चारों चीज़ों का बना होता है ज़्यादातर आपकी फ्रिक्शन प्लेट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इस पर घर्षण सतह होती है, यानी फ्रिक्शन प्लेन होता है आपका फ्रिक्शन प्लेट पर, ठीक है। अगला दोस्तों आता है डैम्पर स्प्रिंग या डायफ्राम स्प्रिंग, जहां पर मैंने आपको दिखाया था उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क था, उसकी विशेष आकृति के अनुसार, ठीक है। उसका क्या वर्क है दोस्तों, जब घर्षण प्लेट को प्रेशर प्लेट से दबाया जाता है, यानी जब आपकी फ्रिक्शन प्लेट को प्रेशर प्लेट से दबाएंगे तो क्या होता है, घर्षण सतह में क्या होता है, कंपन यानी वाइब्रेशन उत्पन्न होने लगता है, ठीक है दोस्तों। इस उत्पन्न हुई कंपन को कम करने के लिए डैम्पर स्प्रिंग या डायफ्राम स्प्रिंग का यूज किया जाता है, ठीक है दोस्तों। अगला आता है कि दोस्तों डैम्पर स्प्रिंग को आघूर्ण स्प्रिंग भी बोलते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा, डैम्पर स्प्रिंग को क्या बोलते हैं, आघूर्ण स्प्रिंग भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट आता है कि यदि यह स्प्रिंग घर्षण प्लेट को झटके से बताती है, यानी जो आपकी फ्रिक्शन प्लेट होती है उसको कौन बचाता है आपको झटके से, शॉक से, डैम्पर स्प्रिंग बचाती है, ठीक है दोस्तों। अगला दोस्तों पॉइंट आता है आपका टाइप्स ऑफ क्लच। तो दोस्तों सबसे पहले आपकी टाइप्स ऑफ क्लच या क्लचों के प्रकार, बहुत ही ज़्यादा आपकी क्लच हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। तो दोस्तों सबसे पहले आपका आता है सिंगल प्लेट क्लच। तो जहाँ पर आप लोग को सिंगल प्लेट क्लच की असेंबली दिख रही होगी, यहाँ पर आपका यहाँ पर दिख रहा होगा, ये आपका, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, ये आपका पैडल है, यहाँ पर स्प्रिंग लगी हुई है, डैम्पर स्प्रिंग, ये आपका हब लगा हुआ है, यहाँ पर आपकी ड्राइविंग सॉफ्ट है, यहाँ पर आपका ड्रिवन सॉफ्ट है, ठीक है। ये आपकी प्रेशर प्लेट है, यहाँ पर आपकी क्लच प्लेट है, ठीक है। यहाँ पर आपकी क्या है दोस्तों, क्लच प्लेट है, और ये आपकी प्रेशर प्लेट्स है, और दोस्तों ये आपका ब्लू वाला पार्ट है फ्लाईव्हील, ठीक है दोस्तों, इतना आप याद रखिएगा। अब मैं आपको दोस्तों सिंगल प्लेट क्लच के बारे में बताता हूँ, ठीक है। सिंगल प्लेट क्लच क्या होता है दोस्तों, सिंगल प्लेट क्लच में दो ड्राइविंग मेंबर होते हैं, पहला कौन कौन से होता है दोस्तों, पहला होता है आपका ये फ्लाईव्हील, और दूसरा आपका होता है ड्राइविंग सॉफ्ट, ठीक है दोस्तों। अगला दोस्तों पॉइंट आता है कि इसमें, इसके अलावा क्लच कवर, प्रेशर स्प्रिंग, घर्षण प्लेट, रिलीज लीवर, क्लच सॉफ्ट, पैडल और थ्रो आउट बेयरिंग होते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट आता है कवर प्लेट, प्रेशर प्लेट तथा स्प्रिंग एक यूनिट बनाकर फ्लाईव्हील से लगे होते हैं, ठीक है दोस्तों। यह बात कर रहे हैं सिंगल प्लेट क्लच की, ठीक है। घर्षण प्लेट एक ड्रिवन मेंबर है दोस्तों, जो आपकी घर्षण प्लेट होती है ना, वो एक ड्रिवन मेंबर होती है, ठीक है दोस्तों। अगला आता है घर्षण प्लेट के मध्य में क्या होते हैं, दांत कटे होते हैं, यानी क्या होते हैं, टूथ कटे रहते हैं, जो कि क्लच सॉफ्ट को गति प्रदान करते हैं, ठीक है, इतना आप याद रखिएगा। अब दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर इसकी किस तरह से वर्किंग प्रोसेस है वो भी आप समझ लीजिए, कि जब पैडल को दबाया जाता है, जो मैं आपने आपको बताया था एनिमेशन में, फिर से आपको यहाँ पर और अच्छे से समझ में आने वाला है कि जब पैडल दबाया जाता है तो लिंकेज थ्रो आउट बेयरिंग को दबाते हैं, ठीक है, जो अन्य लीवर को दबाता है, और स्प्रिंग की सहायता से क्लच प्लेट क्या हो जाती है, फ्री हो जाती है। जब पैडल को छोड़ दिया जाता है तो स्प्रिंग क्लच प्लेट को फ्लाईव्हील की ओर धकेल देती है और ट्रांसमिशन इंगेज हो जाता है, ठीक है दोस्तों। ज़्यादातर गाड़ियों, बस, ट्रक में सिंगल प्लेट क्लच का प्रयोग होता है। मूल रूप से इसमें केवल एक क्लच प्लेट होती है, जो कि क्लच सॉफ्ट की सप्लाइनों पर चढ़ी रहती है, ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट आता है कि स्प्रिंग तथा बोल्ट द्वारा फ्लाईव्हील से प्रेशर प्लेट कसी रहती है, ठीक है दोस्तों, जो क्लच प्लेट को दबाते समय आपकी क्लच सॉफ्ट का ट्रांसमिशन रोकती है। यहाँ पर दोस्तों तिलक नहीं है, क्लच है, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा एडिटिंग में मिस्टेक हो गया, तो क्लच सॉफ्ट कर लीजिएगा। फ्लाईव्हील तथा प्रेशर प्लेट के बीच में क्लच प्लेट क्या होती है, दबती है, ठीक है। फ्लाईव्हील और प्रेशर प्लेट के बीच में आपकी क्लच प्लेट दबती है, ठीक है दोस्तों, इतना आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपकी जो प्लेट आती है या क्लच प्लेट आती है, वो है दोस्तों आपकी मल्टीपल क्लच प्लेट, ठीक है। मल्टीप्लेट क्लच प्लेट क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिएगा, सिंगल डिस्क डायफ्राम स्प्रिंग क्लच का प्रयोग फ्रंट स्टील ड्राइव वाहनों में होता है, ठीक है दोस्तों, इतना आप याद रखिएगा। अगला आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है मल्टीप्लेट क्लच से, कि मल्टीप्लेट क्लच में कई प्लेटें होती हैं, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, ठीक है।
अगला आता है कि मल्टीप्लेट क्लच अधिक आघूर्ण ट्रांसलेट करता है या ट्रांसमिट करता है, जिसमें ज़्यादा प्लेटें होंगी दोस्तों तो वो ज़्यादा आपका टॉर्क क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, ट्रांसमिट करेगा, ठीक है। अगला दोस्तों पॉइंट आता है कि दो पहिए वाली गाड़ी में मल्टीप्लेट क्लच का प्रयोग होता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों निकल कर आ गया कि दो जो आपके टू व्हीलर होती हैं उसमें कौन सी प्लेट का यूज़ होता है, कौन सी क्लच प्लेट का, मल्टीप्लेट क्लच का प्रयोग होता है, ठीक है। अगला दोस्तों क्वेश्चन आता है कि आपका कि क्लच प्लेटों की संख्या बढ़ाने से घर्षण सतह भी बढ़ती है, यानी फ्रिक्शन प्लेन भी बढ़ता है, जिससे आघूर्ण ट्रांसमिट करने की क्षमता क्लच की बढ़ती है। मतलब समझ में आ गया ना दोस्तों, क्लियर आपको कि आप क्लच प्लेटों की संख्या बढ़ा रहे हैं तो उसमें क्या होगी, जो फ्रिक्शन प्लेन है, घर्षण सतह, वो भी बढ़ रहे हैं, जिससे आघूर्ण यानी टॉर्क ट्रांसमिट करने की क्षमता क्या होती है, क्लच की बढ़ती है, ठीक है दोस्तों। अगली दोस्तों आपकी जो प्लेट आती है दोस्तों वो है कोण क्लच। क्या होती है, कोण क्लच या एंगल क्लच, ठीक है, इसको ये बोलते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देखिएगा कोण क्लच क्या होती है, कोण क्लच के घर्ष दोस्तों कोण क्लच होते हैं वो घर्षण की सतह शंकु के आकार की होती है, यानी जो कि उसकी फ्रिक्शन प्लेन होता है ना वो कैसा होता है, कोनिकल होता है, कोण के आकार का होता है, ठीक है। अगला दोस्तों पॉइंट आता है कि फीमेल कोन इंजन शॉफ्ट पर होता है, यानी फीमेल कोन आपका कौन सा होगा, ड्रिवन ड्रिवन शॉफ्ट जो होगी ना वो आपके कहाँ पर होगी, इंजन शॉफ्ट पर होता है, तथा मेल कोन आपका कहाँ पर होता है, क्लच शॉफ्ट पे होता है, यानी जो आपका ड्राइविंग शॉफ्ट होती है वो क्लच शॉफ्ट पे होता है, ठीक है, इतना आप याद रखिएगा। अगला दोस्तों इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट आता है कि इस क्लच में नॉर्मल फोर्स जो कि घर्षण सतह पर कार्य करता है, जो मतलब इसमें जो आपका नॉर्मल फोर्स वर्क कर रहा है वो जो कि फ्रिक्शन प्लेन पर वर्क कर रहा है वो एक्सियल फोर्स से क्या हो रहा है, ज़्यादा है, जबकि आपकी जो सिंगल प्लेट क्लच थी उसमें जो नॉर्मल फोर्स था वो एक्सियल फोर्स के ही बराबर था, ठीक है दोस्तों। अगला दोस्तों पॉइंट आता है कि यदि कोण क्लच का कोण 20 डिग्री से कम हो तो क्लच जाम होने की संभावना रहती है, ठीक है, इतना आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि कोण क्लच का कोण 20 डिग्री से कम होगा तो क्लच जाम होने की संभावना रहती है, ठीक है। अगला दोस्तों पॉइंट आता है कि कोण क्लच का प्रयोग ट्रांसफर केस में होता है, यानी ट्रांसफर केस में किसका प्रयोग किया जाता है, कोण क्लच का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगली दोस्तों आपकी आती है क्लच दोस्तों अभिकेंद्रीय क्लच, जिसको सेंट्रीफ्यूगल क्लच भी बोलते हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं इमेज में दोस्तों, ज़्यादा इसमें कुछ पढ़ने का है नहीं है, लेकिन मेन आप इसको समझ लीजिएगा। सेंट्रीफ्यूगल क्लच जो होती है वो स्प्रिंग फोर्स की तरह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर कार्य करती है, जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, ठीक है दोस्तों। इसकी सहायता से इंजन को बिना बंद किए गाड़ी को गियर में ही रोक देते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला आता है कि इसमें एक्सीलेटर पेडल को दबाकर गाड़ी को किसी भी गियर में चालू कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, किसमें, अभिकेंद्रीय क्लच में या सेंट्रीफ्यूगल क्लच में, ठीक है। अगला दोस्तों आपका आता है क्लच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच या विद्युत चुंबकीय क्लच, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच क्या है दोस्तों, सुन लीजिए अच्छे से। इस क्लच के फ्लाईव्हील पर तांबे की तार की कुंडली या वाइंडिंग होती है, क्या होती है, तांबे की तार होती है, जो कॉपर के वायर होते हैं उससे क्या रहती है, वाइंडिंग रहती है इसके फ्लाईव्हील पर, ठीक है। जब बैटरी या डायनामो से इस कुंडली में करंट फ्लो करता है या धारा प्रवाहित होती है तो इसमें विद्युत चुंबकीय क्षेत्र या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाती है, ठीक है, जो प्रेशर प्लेट को क्या करती है, अपनी ओर खींच लेता है, ठीक है, और क्लच इंजन से क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। जैसे कि एनिमेशन में आपको मैं दिखाया था कि जहां पर आपका क्लच इंजन में क्या हो जाती है, आपकी प्रेशर प्लेट क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। यहां पर क्या होता है, फिर से आपको मैं समझा देता हूं, जब बैटरी या डायनामो से कुंडली में धारा प्रवाहित की जा रही है, करंट फ्लो किया जा रहा है, जिसमें विद्युत चुंबकीय क्षेत्र या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रही है, तो वो प्रेशर प्लेट को क्या कर देती है, अपनी ओर खींच लेती है, और क्लच क्या होती है, इंजन से जुड़ जाती है, ठीक है दोस्तों, इतना आप याद रखिएगा। अगला पॉइंट आता है कि और जब धारा का प्रवाह बंद होता है तो क्लच अलग हो जाती है, ठीक है दोस्तों। करंट का फ्लो अगर आप कम कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, तो वहां पर आपकी क्लच इंजन शॉफ्ट से अलग हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। दोस्तों इस जो क्लच है उसका मेनली आपका यूज कारों में होता है, ठीक है। अगली दोस्तों आपकी आती है निर्वात क्लच या वैक्यूम क्लच बोलते हैं जिसको, ठीक है। मेन पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, इंजन मैनिफोल्ड के निर्यात से वैक्यूम क्लच क्रिया में होती है, ठीक है दोस्तों। अगला दोस्तों इसका पॉइंट आता है कि इसमें एक पिस्टन, वैक्यूम सिलेंडर, सोलेनाइड ऑपरेटेड वाल्व, रिजर्वायर तथा नो रिटर्न वाल्व होता है, ठीक है, किसमें, आपका वैक्यूम क्लच में, ठीक है। अगला दोस्तों पॉइंट आता है कि बैटरी से करंट एक स्विच के द्वारा सोलेनाइड को मिलती है, जो कि गियर लीवर पर लगा रहता है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला दोस्तों आपकी आती है क्लच हाइड्रो असिस्ट क्लच, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक क्लच भी बोल सकते हैं या हाइड्रोलिक क्लच भी बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस क्लच में क्या है मेनली, आप देख लीजिए, निर्वात क्लच की तरह ही हाइड्रोलिक क्लच कार्य करता है, बस दोनों में इतना अंतर है कि निर्वात क्लच निर्वात से और हाइड्रोलिक क्लच तेल के दबाव से क्रिया करता है, ठीक है दोस्तों। इसमें एक पिस्टन, सिलेंडर, कंट्रोल वाल्व, पंप, एक्यूमुलेटर तथा रिजर्वायर होता है, ठीक है दोस्तों। आगे बताने से पहले दोस्तों आपसे एक अपील करना चाहता हूँ,
यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरी मेहनत अच्छी लगी, तो प्लीज लाइक कर सकते हैं, ठीक है, इसमें आपका कुछ नहीं जा रहा है, ठीक है। अगला दोस्तों आपको पॉइंट देखिएगा, पिस्टन एक लिंकेज के द्वारा क्लच से जुड़ता है, ठीक है, जो पिस्टन होता है वो आपके एक लिंकेज द्वारा क्लच से क्या होता है, जुड़ता है। अगला दोस्तों पॉइंट आता है कि हाइड्रोलिक क्लच महंगी गाड़ियों में प्रयोग होती है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों कम समय बचा है, यहाँ पर आपका पूरा ये टॉपिक हो चुका है क्लच का। अब हम लोग कल क्लच जो आपका टॉपिक है उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आपके रेलवे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ क्लास 9 कल अटैम्प्ट कीजिएगा जल्दी, मैं उसके लिए आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जो कि आपके छूट गए थे, लेकिन आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे तो आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी होगी, ठीक है, इसमें से बाहर आपका नहीं जाने वाला, ठीक है दोस्तों। आज की वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही, यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए, यदि कोई भी डाउट हो वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जिन लोगों को इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आपको रोजाना जीके और वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट ऐसे ही मिलते रहे। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।